पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पांडे के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी स्वात टीम थाना कोतवाली पुलिस टीम को समय अहम सफलता हाथ लगी। जवाब दिनांक 14 अक्टूबर को लगभग 3 बजे ढेकुलिया घाट पर चेकिंग के दौरान बंदा रोड से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो वे तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सहित बलिया मोड़ की तरफ भागे, जिस पर कंट्रोल रूम को सूचित करते हुए उन लोगों का पीछा करते हुए भीटी पुल के नीचे आए तो कच्चे रास्ते की तरफ भागे। थोड़ी दूर पर वो मोटरसाइकिल सहित और दोनों असलहे से पुलिस टीम पर फायर करने लगे। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो गिर गए तथा दोनों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 4 खोखा, जिंदा कारतूस, 315 बोर, 12 बोर, 1 चोरी की मोटरसाइकिकल, ग्लैमर व 1 बैग में रखे 80,000 रूपये, शैलेंद्र कुमार राय के नाम, एसबीआई बैंक की चेकबुक, पासबुक, फोटो व अन्य कागजात एवं बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली मुकदमा संख्या 362/23 धारा 379 भारतीय दंड विधान पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान उक्त दोनों द्वारा क्रमशः अपना नाम दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव व तरुण कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय सूरत यादव निवासीगण नया टोला जोराबगंज थाना कोड़ा कटिहार बिहार बताया गया। कड़ाई से पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि हम लोग मोटरसाइकिल की डिग्गियों से पैसा चुराते हैं तथा विगत में मऊ नगर में कई जगहों पर चोरी करना उन्होंने स्वीकार किया। उल्लेखनीय कि कटिहार गैंग के अपराधी 5 से 6 की संख्या में किसी विशेष इलाके में जाते हैं, वहां रोजगार के नाम पर किराए के मकान लेते हैं या अलग अलग लॉज में फेक नाम व पता के साथ रहते हैं तथा उसके समीप शहर में लूट को अंजाम देते हैं, खासकर बैंकों में रेकी तथा बाहर लूट और स्वर्ण आभूषणों की दुकानों, पेट्रोल पंप व बड़े व्यवसाय इस गिरोह के निशाने पर होते हैं। रेकी करने वाले सदस्य बैंक के अंदर लोगों द्वारा बड़ी रकम निकासी पर नजर रखते हैं। जो ही ऐसे लोग बाहर निकलते हैं उनकी पूरी जानकारी बैंक के आसपास रहने वाले बाइक सवार सदस्यों को दी जाती है। ये लोग उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल का पीछा करते हैं। इस दौरान वो व्यक्ति कहीं पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके किसी काम के लिए चला जाता है तो एक व्यक्ति मास्टर चाबी से उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की खोलकर रुपये निकाल लेता है। साथ ही यदि वो व्यक्ति रास्ते में कहीं नहीं रुकता तो इन लोगों के द्वारा पीछे से उस व्यक्ति के ऊपर क्वांच पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे उक्त व्यक्ति को खुजली होने लगती है, जिससे वो व्यक्ति मोटरसाइकिल खड़ी करता है तो मौका देकर उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की से रुपए चुरा लेते हैं। इनके द्वारा पेट्रोल पंप, सुनार के कैश की रेकी कर लूट, झपट्टा मारी, महिलाओं के साथ ट्रेन स्नेचिंग, ट्रेन बसों में नशा खिलाकर लूट लेना, गाड़ी का शीशा तोड़कर तथा सड़क पर नोट गिराकर लूटने जैसे अपराध कारित किए जाते हैं। बचाओ, पर्याप्त सावधानी रखें, अपनी गाड़ी की डिक्की में पैसा न रखें, अनजान लोगों से अनावश्यक वार्तालाप न करें, न ही अपनी जानकारी उजागर करें व अनजान लोगों के साथ चाय नाश्ता कदापि न करें, अनजान लोगों से घनिष्ठता न बढ़ाएं। इस गैंग के लोग वेल मेंटेन रहते हैं तथा अपने हाथ में बैंकों के कागजात व हैंडबैग लिए रहते हैं, जिससे इन पर कोई शक न करे। ये शुद्ध खड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को मोबाइल फोन कदापि न दे। ये लोग मोबाइल फोन नहीं लिए रहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति से बीमारी आदि का बहाना बनाकर मोबाइल फोन मांगकर घटनाओं में प्रयोग करते हैं। बैंक के अंदर या आसपास यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित करें। रात्रि में संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों का सघन निरीक्षण चलाया जा रहा था। उसी क्रम में कोतवाली प्रभारी शैलेश सिंह और उनके साथी ढिकुलिया घाट पर चेकिंग कर रहे थे, साथ में उनके एसओजी प्रभारी अमित मिश्रा और स्वात प्रभारी प्रमोद सिंह भी वहीं उनके साथ में थे। रात्रि लगभग 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे और पिछले व्यक्ति पर एक पिट्ठू बैग था दिखाई पड़े और वो पुलिस को देखकर बलिया मोड़ की तरफ भागने लगे। बलिया मोड़ की तरफ भी चूँकि पुलिस चेकिंग कर रही थी, वो लोग जो भीटी पुल है उसके नीचे की तरफ भागे, जहाँ पुलिस सामना सामना हुआ और उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस को फायर किया, जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गोली लगी और उनके प्रारंभिक पूछताछ में उनके नाम दीपक यादव और तरुण कुमार यादव हैं, जो कि कोड़ा जनपद कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। इन व्यक्तियों से एक मोटरसाइकिल ग्लैमर और 2 तमंचे बरामद हुए, इसमें एक 12 बोर का है और एक 315 बोर का है और इनसे एक एक खोखा कारतूस और एक एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही जो पिट्ठू बैग है उसमें जब तलाशी ली गई तो पिट्ठू बैग में एक छोटा बैग था जिसमें 25,000 रुपये और कुछ चेकबुक और पासबुक बरामद हुई। साथ ही जो बैग है उसमें कपड़ों के बीच में 55,000 रुपये बरामद हुए। इनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में जनपद मऊ की 4 टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है और अभी एक अंतिम घटना दिनांक 10/10/2023 हुई थी, जिसमें वादी शैलेंद्र कुमार राय द्वारा इनके विरुद्ध
अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया और वो जो कागजात हैं जो चेकबुक और जो पासबुक है वो उन्हीं से संबंधित है। इन लोगों के द्वारा जनपद के आसपास के जनपदों में भी घटनाएं उन्होंने स्वीकार किया है और दोनों को अस्पताल में लाया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सर कहाँ के रहने वाले, कौन सा गैंग है इनका? और ये टप्पेबाजी वाला गैंग है और ये थाना कोड़ा जनपद कटिहार के रहने कटिहार गैंग है। कहाँ लगी है गोली? गोली पैर में। पुलिस वाला भी घायल हुआ है? पुलिस वाले को सर कोई घटना को अंजाम देने जा रहे थे? अभी पूछताछ प्रारंभिक पूछताछ हुई है इनसे, बाकी चीज़ें जो डिटेल में विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी तब।